जबलपुर से है जहां भिंड में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद जिले का आबकारी विभाग अलर्ट पर है जबलपुर में लगातार कच्ची शराब एवं जहरीली शराब के खिलाफ की जा रही कार्यवाही मध्य प्रदेश के के में जहरीली शराब से मौत बाद जबलपुर आबकारी विभाग का अलर्ट मोड पर आ गया है विभाग द्वारा वैसे तो लगातार कार्यवाही अवैध शराब के खिलाफ की जाती है पर भिंड में हुई घटना के बाद आबकारी विभाग द्वारा अवैध कच्ची शराब और जहरीली शराब पर कार्रवाई की जा रही है अभी तक जबलपुर में जहरीली शराब से मौत का कोई भी मामला सामने नहीं आया है मामले में जबलपुर आबकारी कंट्रोलर जीएल मरावी ने बताया कि जबलपुर में अभी तक जहरीली शराब से किसी भी प्रकार की मौत की बात सामने नहीं आई है पिछली बार जिस प्रकार से रतलाम उज्जैन और भिंड में जहरीली शराब से मौत हुई थी उसके बाद लगातार जबलपुर आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब पर कार्रवाई की गई थी अवैध शराब पर लगातार आबकारी विभाग की कार्रवाई जारी है सूचना के आधार पर कार्रवाई लगातार की जा रही है भिंड में हुई घटना के बाद कच्ची शराब पर लगातार कार्रवाई आबकारी विभाग जबलपुर की टीम द्वारा भी की जा रही है जी भिंड में शराब को लेकर जो है मौतें हो रही हैं जबलपुर की अगर बात करें संस्कार धानी की अगर बात करें तो किस तरीके से तैयारी है यहाँ के आबकारी विभाग की देखिए हम लोग लगातार सतर्कता बरतते हैं इस मामले में पिछले बार भी अन्य जिलों में जैसे रतलाम उज्जैन में घटनाएं हुई थी और अभी हाल ही में भिंड में हुई है पिछले बार भी शायद भिंड में घटना हुई थी और जबलपुर में इस तरह की घटनाएं आज तक प्रकाश में तो नहीं आए हैं कि जहरीली शराब पीने से किसी की मौत हुई हो जहाँ तक मेरी जानकारी है और हम लोग लगातार सतर्कता तो ही रहे हैं इस मामले में चाहे वो कच्ची शराब के अड्डे हों या अन्य अड्डे जिसमें अवैध ड्यूटी पैड मदिरा बेची जाती है सभी पर सतर्कता बरत रहे हैं और इस तरह के अड्डे पनपने ही नहीं दिए जा रहे हैं शहर में ताकि जिसमें जाकर के ग्राहक जो है तो शराब पिए और इस तरह की कोई अनहोनी हो जाए भिन्न में मृतक के भाई ने कहा है कि अलग जिलों में भी शराब गई है क्या सर्चिंग जबलपुर में भी की जाएगी ऐसी कि यहां तक ना दूरी बहुत है। फिर भी हम लोग सतर्कता तो बरत ही रहे हैं। लगातार इस तरह की कोशिश जारी है हमारी अनहोनी ना हो और लगातार सर्चिंग की जा रही है और केसेस भी रजिस्टर जहां अवैध शराब मिलती है उन पर केसेस भी रजिस्टर किए जा रहे हैं जनवरी से अभी की तक की बात अगर करें तो कितनी जो है अभी तक कार्रवाई की गई तो लगातार छोटी मोटी कार्यवाही होती हो, होती रही हैं परंतु बड़ी कार्यवाही में एक अशोक लीलैंड का लोडर वाहन अभी पकड़ा था जिसमें जो है तो पचहत्तर पेटी देसी शराब मिला था और एक और बड़ी कार्यवाही की गई है ग्रामीण क्षेत्र में जिसका जबलपुर से आशीष वात्र की रिपोर्ट